अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंबर्स ऑल इन वन चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम, बच्चों को लेके जा रहे हैं एक्चुअली हम फन फैक्ट्री। और बहुत अच्छी सी प्लेस उन्होंने बनाई हुई है एम्पोरियम के 3rd फ्लोर के ऊपर, फ़न फैक्ट्री के नेम से। एंड वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। एक्चुअली जब से कोविड आया था तब से हम अपने बच्चों को कहीं पर भी नहीं लेकर गए हैं। 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट हमारे बच्चे घर पे ही कैद हैं और हमारा कहीं उनको लेके जाने का कोई सीन नहीं बना, एक्सेप्ट हमारा जो एक टूर था नारायण का गान का, उसके अलावा। और वो भी जब हम वहाँ से वापस आए थे तो बहुत बुरे तरीके से हम बीमार हो गए थे, तो बस वो भी एक डिज़ास्टर टाइप ही था कि हम उसके बाद में भी बच्चों को कहीं नहीं लेके गए। एक्चुअली बच्चे तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। वैसे तो घर के सामने पार्क है, बच्चे चले जाते हैं, बट एक जो एक स्पेशल एक्टिविटी होती है कि लाइक बच्चे कहीं आपके साथ जा रहे हैं, राइड्स वगैरह ले रहे हैं, स्विंग्स ले रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं थी, मिसिंग थी। तो पहले ये होता था कि यूजली हमारे साथ बच्चे जो थे वो जाते रहते थे। ग्रॉसरी हमारी ऑब्वियसली मंथ में वंस लाजमी होती है और बच्चे हमारे साथ लाजमी जाते थे, बट ये था कि जब से कोविड आया तब से तो जाना बंद हो गया था। अभी रिसेंट आपको एक सीन नज़र आया क्लाउड्स वालों में, मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैंने स्पेशली आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया था। मौसम ज़रा सही था, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी एंड ठीक सा ही मौसम था। और यहाँ पर आप रश देख सकते हैं, इवन दो ये संडे का दिन है बट फिर भी रश अच्छा खासा था, नॉर्मली होता नहीं है। और ये यहाँ पे बैठी हुई है मेरी पलटन यहाँ पे मेरी पूरी रेजिमेंट बैठी हुई है, ये हबी हैं, ये ताहा है, अलीज़े एंड अब्दुल हादी। और मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं लोड करूँगी यूट्यूब पे, एंड ही वाज लाइक कि नहीं बिल्कुल नहीं करना तो चले खैर, मैंने कहा फिर भी आपको थोड़ा बहुत मिलवा देते हैं अपनी फैमिली से। और ये हम जा रहे हैं जनाब जोहर टाउन से जा रहे हैं एक्सपो की तरफ। और यहाँ पर मिनहाजुल कुरान का इदारा भी है और यहाँ पे इस रोड पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। वो लोग जो मतलब यहाँ पास में रहने वाले उनको तो खैर पता होगा, बट जो लोग नहीं रहते उनको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे टीमेज डैन है, उसके अलावा यहाँ पर रावी भी है, चरगा है या रावी फूड्स है, और मैकडोनल्ड्स है ड्राइव थ्रू एंड KFC ड्राइव थ्रू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपो सेंटर यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है, तो ये रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कशिफ के नेम से फाउंडेशन है, वो उनका ऑफिस भी यहीं पर ही है। और यानी कि राइट एंड लेफ्ट ये दोनों जो एरियाज़ हैं ना, ये दोनों लेन्स जो हैं ये अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि फेमस टाइप जगह हैं जहाँ पर अच्छे ऑफिसेज मौजूद हैं। और अभी हमने टर्न कर लिया है, वेरी फर्स्ट टर्न आता है एम्पोरियम की तरफ, और ये बस अब हम जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते आपको राइट साइड पे मैं शायद दिखाऊंगी भी कि एक्सपो भी आता है। एक्सपो जो था ये जब कोविड के डेज़, मतलब कोविड काफ़ी उस पर था, ज़ोरों पे था, रूज पे था, तो उन दिनों में ये जो था यहाँ पे इन्होंने इसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ था। अब तो खैर नहीं है, अब तो खैर इन्होंने ख़त्म कर दिया, अब तो यहाँ पे दूसरे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, बट उन दिनों में ये स्पेसिफ़िकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था। और एक्सपो से आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो फिर आ जाता है एम्पोरियम, और एम्पोरियम भी अच्छा मॉल है। थोड़ा सा आपको मैं टूर दूंगी आज एम्पोरियम मॉल का भी, कि वैसे तो खैर मैं आपको पहले भी लेकर गई हूँ, बट आज मैंने कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें रिकॉर्ड की हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से स्टोर्स हैं, चंद एक रेस्टोरेंट्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। रश इस कदर था ना, एक्चुअली ऑफ था ना तो शायद रश बहुत ज़्यादा था कि वो इवन चेक भी नहीं कर रहे थे और बस ऐसे ही उन्होंने, हम तो खैर ऐसे ही चले गए थे। और ये आप रश देख सकते हैं, लोग ऐसे थे जैसे पता नहीं, एक्चुअली सेल्स भी चल रही हैं शायद इस वजह से भी, 70% ऑफ है, 50% ऑफ है, अप टू 20%, अप टू 30%, तो सेल्स इतनी ज़्यादा थी और लोगों का रश अच्छा खासा था। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तो उस टाइम मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक्सीलेटर से ना मेरा फ़ोन नीचे ही ना गिर जाए, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ कुछ भी ऐसा, बचत हो गई और रश तो साथ के साथ ही जा रहा है। अच्छा वैसे लोगों ने ना एकदम से SOPs वगैरह भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने अब देखा है कि वो SOPs फॉलो कर रहे हैं, मास्क वगैरह कैरी कर रहे हैं या हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। नॉर्मली ये है कि जितने मैंने देखे ना तो मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही लग रहा था कि बस कुछ इतना ख़ास नहीं इस चीज़ को
कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और ये है थे जनाब, हम बिग मोज गए थे डिनर, एंड दैट वाज सो गुड, सो 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 गुड। आई मस्ट सजेस्ट दैट वाज सो गुड, आप लोग जाएं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पर ये दी ऑस्ट्रेलियन स्टीक्स एंड बर्गर्स भी था, और एक चाइना टाउन के नेम से भी है, और जितने हमारे यहाँ के मतलब कॉमन ब्रांड हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, ये सब के सब तो हैं ही। और ये हम थे थर्ड फ्लोर पे, हाँ थर्ड फ्लोर पे थे हम, और यहीं पे ये फन फैक्ट्री वगैरह भी था। तो ये जो थे ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे वो हैं, बट मैंने ट्राई किया था ये बिग मोज डिनर, और ये बहुत अच्छे थे। इनके बर्गर्स बहुत मज़े की थी, स्टीक्स बहुत मज़े की हैं, अच्छी लगी मुझे, एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है। प्राइसेस आपको एज़ कम्पेयर टू अदर आपको थोड़े से हाई लगेंगे, बट टेस्ट वाइज दैट वॉज टू गुड। चिलीज़ वगैरह बिल्कुल नॉर्मल थी, बच्चे आराम से खा सकते हैं। और हमने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया था, अब तो मैं नाम भी भूल गई हूँ उनके, बट बहुत मज़े की चीज़ें थी जो भी थी। और उसके बाद में हमने बच्चों को ड्रॉप किया था फन फैक्ट्री, आपने देखा होगा, और फिर हम आ गए थे यहाँ पे डॉलर स्टोर में। डॉलर स्टोर में ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत, वैसे इस डॉलर स्टोर में ना, लाइक जो एम्पोरियम के अंदर है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मुझे एटलीस्ट सही लगी काफ़ी। मैंने यहाँ से चंद एक चीज़ें परचेज़ भी की थी, एंड मैंने लास्ट में उनकी वीडियो भी बनाई है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये बैटरीज़ हैं फिलिप्स की, और ये स्ट्रेनर्स थे, हुक्स थे, और ये क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप इसको कहें ना कि बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, तो बहुत डाउन भी नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मीडियम उसमें। चंद एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चंद एक चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, लाइक इनकी जो कटलरी वगैरह थी वो काफ़ी सही थी, और ये जो क्रिस्टल के आइटम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी सही थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी थी, क्रॉकरी में भी, और अभी स्पून्स भी आएंगे शायद आगे, और आई थिंक सो आएंगे। और ये मग्स हैं, मग्स भी मुझे काफ़ी सही लग रहे थे, वो स्टार्ट में जो एक ये हार्ट ब्लू सा बना हुआ है, ये इसमें पिक्चर में शायद इतना ज़्यादा आपको इसकी लुक इतनी इन्हेंस नहीं लग रही है, लेकिन बहुत अपीलिंग से लुक थी इसकी, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं इवन कह भी रही थी अभी से हम ले लेते हैं, एंड ही वाज लाइक कि नहीं यहाँ से नहीं लेना, हम कहीं और से बाय करेंगे, और पूरे सेट्स में बाय करेंगे, तो अभी रुक जाओ आप, रुक जाओ। ये देखें ये स्पून्स कितने अच्छे हैं, स्पून्स लिटरली बहुत अच्छे थे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, बट मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने बाय नहीं किए, क्योंकि इतना सारा लेके तो फिर क्लटर हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फ़ायदा कोई नहीं था। और ये एश ट्रेस थी, और मैं हबी से कह रही थी एस्ट्रे ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा करना क्या है, स्मोकिंग करता कौन है कि जिसके लिए एस्ट्रे लेनी है। खैर हमने नहीं दी। यहाँ पे किड सेक्शन भी था, यहाँ पे बच्चों के टॉयज थे, टॉयज मुझे एक्चुअली इतने अच्छे नहीं लगे, टॉयज जो थे वो बस सोसो थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि 170 में आपको ये इस तरह से मिल रहे हैं, तो दैट वॉज़ फाइन। और जैसे कि मैंने भी पहले कहा कि अगर आप क्रॉकरी को कंपेयर करते हैं कि 170 में आपको वो चीज़ मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी है, अच्छी है, लिटरली अच्छी है। मैंने कैंडल होल्डर्स लिए थे, वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और शायद मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको मेरी डाइनिंग पे रखे हुए नज़र भी आए, बहुत खूबसूरत से हैं, लोटस फ्लावर की शेप के हैं, और ब्राउन से क्रिस्टल में बहुत खूबसूरत हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये यहाँ पे बच्चों के टॉयज एंड हो जाते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन इसका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लेज वगैरह आ जाती हैं, बच्चे तो क्ले देखकर बस टूट पड़ते हैं, शुक्र है कि हम अपने बच्चों को फन फैक्ट्री छोड़कर आए थे, अदरवाइज हमारे पास ढेर सारी क्लेज का स्टॉक होना था। और बास्केट्स हैं, बास्केट्स भी अच्छी थी, बास्केट्स की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लगी, और कुछ एक बास्केट्स यहाँ पर थी मैंने कुछ टाइम पहले परचेज़ की थी चाइना सेल मेला से, तो दोनों मतलब सेम ही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद चाइना सेल मिला में थोड़े से प्राइस कम है उसके, क्वालिटी सेम थी। और ये जग से यहाँ पे बास्केट्स थी, आप ऑर्गेनाइजर्स भी कह सकते हैं, ये बॉटल्स थी, ये जो बॉटल्स आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सेम बॉटल्स मैंने परचेज़ की थी चाइना सेल मिला से, एंड वहाँ से मुझे मिली थी 150 की 2 बॉटल्स, जबकि यहाँ पर 150 की 1 बॉटल थी आई गेस। और ये कंटेनर्स हैं, स्टैकेबल भी हैं कुछ इसमें, कुछ वैसे भी हैं, और वो पेट कॉर्नर था, वहाँ पे पेट्स की काफ़ी आइटम थी, बट मुझे ऐसी कोई चीज़ लग नहीं रही थी कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह
इसका काफ़ी सारा स्टॉक था तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। नहीं मैंने लिया था, मैंने एक्चुअली स्मॉल बाउल लिए थे, 3 का सेट था वो मैंने जैसे सॉस हो गई या कोई चटनी वगैरह हो गई तो एज़ एवरी वन नो मैं लाजमी बना के रखती हूँ चटनियाँ, तो वो मैंने उसके लिए लेके रखी हुई थी। चंद एक आइटम्स जैसे कि मैंने कहा कि मिक्स थी, कुछ बहुत अच्छी थी कुछ बस नॉर्मल थी। तो अगर आप लोग एम्पोरियम जाएँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर जाएँ कि क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सही चीज़ें हैं, मतलब पसंद आएंगी आपको, चंद एक चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और ये हम आ गए थे डॉलर स्टोर से बाहर और फिर हम जा रहे थे अपने जानवरों को देखने। आई वॉज लाफिंग और मैं अभी से कह रही थी जब हमने बच्चों को वहाँ पर ड्रॉप किया फन फैक्ट्री में, तो वो पूरा प्ले एरिया है और पर जो किड है वो आपको वहाँ पे कार्ड है, कार्ड रिफिल करवाना पड़ता है, उसका बैंड टाइप ही सिस्टम है, बैंड मिलता है 700 का बैंड है, वो बैंड जो है वो एक बच्चे के लिए होता है। तो हमने अपने तीनों बच्चों को छोड़ा हुआ था एंड मैंने से कही थी यार ये इस तरह से इन्होंने बनाया ना, बिल्कुल कवर किया हुआ है और काफ़ी अच्छा था, मतलब सेफ्टी के हवाले से कि बच्चों को डर नहीं है कि मतलब किसी भी की तरह से ना कि कोई और लेकर जा सकता है वहाँ से, या क्योंकि वो चेक करते हैं जब आप अपने बच्चों को लेने जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चा पार्टी ऑन थर्ड फ्लोर, हम लोग एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे थे, हम थर्ड फ्लोर पे बाद में गए थे, इतने सारे फ्लोर्स हैं ना इसके, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। और ये जो बंदूक खां है ना ये है जनाब थर्ड फ्लोर पे, इतनी ज़्यादा आ रही थी ना अनियंस की और मेरा दिल ख़राब हो रहा था। हम लोग खाना खा चुके थे पहले तो वो बस उसकी जो स्मेल थी अजीब ही सी, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ना एक्चुअली कुछ इतनी खास कूलिंग भी नहीं थी, रेस्टोरेंट्स हैं शायद इस वजह से भी उनकी कूलिंग इतनी को ख़ास नहीं थी और गर्मी भी लग रही थी। और ये देखें, ये मैं हबी से कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को ना हमने केज में छोड़ दिया हुआ है, चिड़ियाघर में नए जानवर आए हुए हैं, एंड लिटरली ऐसा ही लग रहा था, सब लोग अपने बच्चों को अंदर छोड़ गए आराम से बाहर इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे इतना खेलते हैं इतना हैंग आउट करते हैं कि वो इतना थक जाते हैं कि हम लोग जब वापस आ रहे थे तो बच्चे बस बैठे हैं एंड बैठते साथ ही, एक तो उनको प्यास बहुत लग रही थी, गर्मी तो ऑब्वियसली लगती है जब आप खेलते हो कोई एक्टिविटी करते हो, तो वो इतना ज़्यादा थक गए थे, सिर्फ हमारे बच्चे नहीं सारे बच्चे ही, देवर लाइक के सारे जैसे केज के साइड्स पे एनिमल्स नहीं आ जाते, सारे के सारे बच्चे जो थे वो ऐसे ही थे, वो साइड्स पे आके अपने पेरेंट्स को देख रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें पानी पीना। ये खैर नेक्स्ट डे की वीडियो है मॉर्निंग की, हम लोग आ गए थे घर तकरीबन 7 बजे, हमने बच्चों को छोड़ा था फन फैक्ट्री में और 9:15 पे हमने शायद उनको वहाँ से पिक कर लिया था। तो 2 घंटे बच्चे अच्छे से खेले, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और आते आते रास्ते में सो गए थे, फिर हमने घर मतलब लाकर उनको सुला दिया था। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और नेक्स्ट डे की क्लिप में ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या आइटम्स हैं जो मैंने परचेज़ किए, डॉलर स्टोर की दिखा रही हूँ मैं आपको। ये जो जार्स हैं मेरे हैंड में ये हैं डॉलर स्टोर से मैंने लिए थे, 3 का ये सेट है और ये आपको हाइपर में भी नज़र आ जाएगा, हाइपर में भी हैं ये और मुख्तलिफ स्टोर्स पे हैं, बट मैंने वहाँ से ऑब्वियसली डॉलर स्टोर है 170 के परचेज़ किए हैं, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो सही है प्राइस, मतलब वहाँ पर भी इतने ही हैं बल्कि शायद थोड़े से ज़्यादा ही हैं हाइपर में प्राइस, कारफोर में, सॉरी नॉट हाइपर, चेंज हो गया बस का नेम, लेकिन स्टिल आदत पड़ गई है हाइपर स्टार कहने की तो बस भूल जाती हूँ मैं। ये इस तरह से जो चूड़ी वाले होते हैं, चूड़ी वाले जो होते हैं कंटेनर्स, ये उस टाइप के हैं कि इनको चूड़ी वाला इनका जो कैप है वो है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम तो यही कहते हैं चूड़ी वाला। और ये इस तरह से बड़े अच्छे रहते हैं वैसे, ये एक तो ये होता है कि स्पिल प्रूफ होते हैं, इनमें से कोई चीज़ गिरती नहीं है, और सेकंड ये कि लाइक अगर आपके हैंड से गिर भी गया है तो ये नहीं होता कि जी खुल जाएगा गिर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली टाइट होते हैं, एयर टाइट्स होते हैं। और सेकंड था ये एक कंटेनर, ये लिपस्टिक्स के लिए मैंने लिया था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसमें कोई लिपस्टिक नहीं रखी, बिकॉज मैंने लिपस्टिक रखी है तो लिपस्टिक के साइड से काफ़ी बड़ा था, और बच्चे हैं मेरे घर में और ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसी जगह रख सकती हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अफलातून हैं, वो हर चीज़ को ख़राब करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक्स नहीं रखी, ये भी साइड पे ही है, मे बी मैं इसमें कोई और चीज़ रखूँ, किसी और चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको यूज़ करूँ। एक ये मैंने ली थी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मुझे चाहिए थी और ये एक्सटेंशन भी मैंने डॉलर स्टोर से ली थी एंड 170 में, इट्स टू गुड, लिटरली इट्स टू गुड, बिकॉज मैं भी यूज़ कर रही हूँ उसको और बहुत अच्छी जा रही है। एक ये था स्ट्रेनर फ्राइंग के लिए, वैसे तो मेरे पास स्ट्रेनर है दूसरा लेकिन इस टाइप का नहीं था, और ये बहुत अच्छा स्ट्रेनर है, आई मस्ट सजेस्ट कि
कि आप लोग नहीं हैं तो ये लें, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा रहता है। ऑयल कम्प्लीटली स्ट्रेन हो जाता है इसमें से। मैं जब से ये लेकर आई हूँ ना, तब से रेगुलर इसको यूज़ कर रही हूँ, एंड माशाल्लाह इट्स टू गुड। अच्छा, तो ये देख लेंगे, दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये थ्री फोर और फिफ्थ पे है। ये जो चीज़ें मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये सब की सब वहीं से ही हैं। ये था लोटस फ्लावर, ये जो कि नज़र नहीं आया, ये स्क्रीन मिनिमाइज हो गया, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला। ये देखें आप, देख लें आप, ये बहुत खूबसूरत सा है, क्रिस्टल का है, ब्राउन सा, और ब्राउन सा मतलब एक्चुअली गोल्डन ब्राउन सा इसका शेड है, और बड़ा प्यारा सा है ये। और उसके अलावा ये हैं मैट्स, ये मैट्स मैंने लिए थे डाइनिंग के लिए। लाइक अगर आपने कोई भी हॉट चीज़, हॉट बाउल आपने रखना हो, तो कभी भी आप लोगों को मैं सजेस्ट भी कर रही हूँ कि कभी भी अपनी डाइनिंग पे या कहीं पे भी कोई भी गर्म बर्तन नहीं रखें। कोई सूप्स का बाउल हो तो उसके लिए ना रखें, वो इसलिए क्योंकि ना वो वहाँ से टूट सकता है, ठंडा गर्म होने की वजह से वो टूट सकती है आपकी डाइनिंग, वो शीशा टूट सकता है। तो प्लीज़ ये मैट्स लाजमी रखें, एंड फिर इसके ऊपर रखें तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। अच्छा, इसके बाद में ये था एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन का पीस, और ये मैंने लिया था, ये भी क्रिस्टल में ही था। वैसे तो ये शुगर पॉट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शुगर पॉट दूसरा है, बहुत प्यारा सा है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैंने अपनी डाइनिंग पे सौंफ, बादाम एंड मिश्री उसको बना के रखा हुआ है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे ही कभी उनका जब कुछ मंचिंग का दिल कर रहा होता है तो वैसे बस वन स्पून लेते हैं एंड खा लेते हैं। तो ये मैंने लिया था डाइनिंग पे रखने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो 170 में, एज़ आई टोल्ड यू कि ये बहुत अच्छा है। ये जो कैंडल्स थी, आई गेस ये मुझे दो पीस मिले हैं 170 में, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि आइटम्स बस काउंट करके तो उन्होंने फिर उसका कर दिया था। 9 आइटम्स आई गेस हमने परचेज़ की थी। और इसके बाद में ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये है जनाब, ये जो आपको हैंड नज़र आ रहा है, यम्मी का हैंड है। अम्मी को मैं बता रही थी, दिखा रही थी कि ये चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। और ये है लंच बॉक्स, ये लंच बॉक्स मैंने लिया था आदि के लिए, और ये हमने डॉलर स्टोर से नहीं लिया, ये हमने लिया है बच्चा पार्टी, वो जो मैंने आपको एक बैनर से दिखाया था, ये उसका वो जो फ्लैक्स साइन था, ये उसके वहाँ से हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छी आइटम्स हैं उनके पास, बच्चों की बहुत ज़बरदस्त हैं, स्कूल से रिलेटेड हों, वैसे ही कुछ भी वेयर करने के लिए हों, कुछ भी हो, बहुत अच्छी हैं। और स्टील का लंच बॉक्स मैं बहुत देर से, मतलब बहुत टाइम से बाय करना चाह रही थी, बिकॉज प्लास्टिक कंटेनर्स में क्या होता है ना कि आप कुछ फ्राई आइटम या कोई गर्म चीज़ रखते हो ना, तो सीरियसली मुझे ना टेंशन सी रहती है कि नहीं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फाइन। एंड ऑब्वियसली सुबह सुबह फ्रेश बना के रखना होता है तो वो फिर थोड़ा सा तो गर्म होता ही है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्पिल प्रूफ है, और ये मुझे मिला है 900 का। तो अगर आप में से कोई बाय करना चाहे तो किड्स की बहुत अच्छी वैरायटी है उनके पास, मस्ट गो, मस्ट विज़िट, एंड आप बाय कर सकते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो का कर रही हूँ एंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड फर्दर आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो कर रही हूँ, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा शामिल हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।